इनिशिएटिव आज से 4 हफ्ता पहले हमने शुरू किया है. दिस वॉज द 4th एपिसोड ऑफ द सीजन 1 ऑफ कैफे टू कैफे. और इस इनिशिएटिव का बेसिक मकसद जो है, जो यहाँ का यंग टैलेंट है, बडिंग टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे हम, जिसमें हम उनको शोकेस करें. वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि यहाँ पे टैलेंट की जो है बिल्कुल भी डर्थ नहीं है. एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी सी इन द लोकल यूथ, इसको एक चैनल देने के लिए, जहाँ पे एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए, जहाँ पे वो इसको सही तरीके से एक्सप्रेस करें, बाकी जो हमारे सोशल मेनेसेस हैं उनसे वो दूर रहें. देखिए आजकल के दौर में आप देखेंगे नौजवान जो है देख टेक टू ड्रग्स या बाकी चीज़ों में पढ़ते हैं. तो इसलिए मैंने और मेरे साथ इरफान और बिलाल जो मेरे दो दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से इसमें एसोसिएट किया. एंड बेसिक आइडिया जो था वो यही था कि हम यहाँ के लोकल टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दें फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द आर्ट विच दे कैरी इन अबंडेंस. रिस्पॉन्स इज अमेजिंग. अभी इसमें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही इसको लाइव चला रहे हैं. इट हैज़ अ यूट्यूब चैनल. वी हैव हायर्ड द सर्विसेज ऑफ सम सिनेमाटोग्राफर्स ऑल्सो. तो वो जो आपका सिनेमाटोग्राफी के क्वालिटी के जो आपको वीडियोज़ हैं या साउंड क्वालिटी, वो आपको बाद में हमारे यूट्यूब चैनल्स पे देखने को मिलेगी. लेकिन अभी जो है वी ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल एंड वॉन्ट टू शो केस आर टैलेंट एज मच एज पॉसिबल. बेसिकली
कैफ़े टू कैफ़े जो नाम है, द आइडिया इज़ दैट वी विल बी गोइंग टू अ डिफरेंट कैफ़े एवरी थर्सडे आफ्टर 7:30 ये स्टार्ट होता है। तो इस बार जैसे आप देख रहे हैं कि वी वेर होस्टेड बाई फोर पॉइंट्स बाई शेरेटन, पिछली बार बाई कैफ़े लिबर्टी विच इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो, उससे पहले कैफ़े स्नूका, कैफ़े स्नूका ऑल्सो हैपन्स टू बी वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ दिस कैंपेन, एंड देन बिफोर दैट वी वेर होस्टेड बाई कैफ़े कॉफी डे विच वॉज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सेशन। एट द सेम टाइम सम अदर एजेंसीज हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विद अस, लाइक बिग एफ एम जो है उन्होंने हमारे साथ रेड एफ एम ने हमारे साथ पार्टनर में किया है, एंड एट द सेम टाइम जो साउंड एंड इंजीनियरिंग है वो कैफे स्नूका से ही हमें मिली है, दे हैव देयर ओन प्रोडक्शन हाउस, तो उनका भी मैं इस आपके मीडियम के थ्रू शुक्रगुजार हूँ। Actually connecting with us. I mean, I have seen people connecting with us, trying to be portrayed, this showcased. We get calls and requests from the South Kashmir, we get calls from the North Kashmir, central part of Kashmir, maybe jo baki areas hain. We have, in the last episode, we showcased a talent. His name was Tajamul. He comes from the remotest areas of Shopian. So today also we had some performers from Anantnag, somewhere from Gandhabal. So people want to connect with us. They want to be seen through this platform, and I'm sure this is gaining more and more popularity day by day. See, I believe that this is the faculty which hasn't got enough leverage in the past. We see in the field of sports, enough has been done, enough is being done also. But once I met my friends Irfan and Bilal, they told me about the state of artists and art here, especially when we talk of the music. And then is when we spoke of this idea. And Irfan and Bilal came forth and they said that we want to patronize, as I told in the beginning of this episode, I've been telling in this in every episode, that they have got international exposure and they can patronize the local talent and give it a platform and groom it. And that is what they are doing judiciously. I'm very thankful to them also.